हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू प्लेनेट। आज हम लेके आ गए हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ दुनिया भर में एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए हर देश की सरकार नए नए तरीके अपनाने की कोशिश में लगी है, जिससे कि वो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और अपने देश की एनर्जी की डिमांड को भी पूरा कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की डेवलपमेंट में एनर्जी सोर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो एनर्जी की डिमांड पूरा करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो गाइस, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि थर्मल प्लांट मेनली कोल का इस्तेमाल करता है, जिससे एनर्जी तो प्रोड्यूस हो जाती है लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और इसमें पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो वो है तो क्लीन एनर्जी सोर्स, लेकिन उसकी भी कई लिमिटेशंस हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, मौसम और हाई मेंटेनेंस एंड हाई इंस्टॉलेशन चार्जेस, और लगभग ऐसी ही कई प्रॉब्लम्स विंड एनर्जी के साथ भी हैं। और अगर हम बात करें हाइड्रो पावर की, तो उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वो एक्सपेंसिव है और उससे फ्लडिंग और ड्रॉट जैसे इश्यूज का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल 32 देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज यूरोप की शामिल हैं और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश है, और फ्रांस की 70% बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया भी न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल में 13वें स्थान पर है, और इंडिया में फिलहाल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो कि फुली ऑपरेशनल हैं, और इनकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 40,374 गीगावाट। और दोस्तों, हाल ही में इंडिया में एक नया न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु में कुंडनकुलम में बनाया गया है, और 9 और पावर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, जो कि 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 12 और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने की मंजूरी 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई थी। तो दोस्तों, टोटल 21 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यह एक क्लीन एनर्जी सोर्स है और कार्बन फ्री भी है। इसकी एनर्जी बहुत डेंस होती है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, और ये बहुत कम फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये काफ़ी रिलायबल एनर्जी सोर्स भी है। इसको 2400 घंटे चलाया जा सकता है और ये नेशनल सिक्योरिटी को भी इन्हांस करता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी ज़रूर होते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के भी कुछ नुकसान हैं, जैसे कि चाहे इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है पर इसकी कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और एक्सीडेंट्स का भी खतरा बना रहता है, और फ्यूल सप्लाई भी लिमिटेड है। तो गाइस, ये थी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।